बहुत बुरा था, पूरा ये चीज निकला हुआ था, दांत बाहर निकले हुए थे। मतलब एक मरने के टाइम पे एक आवाज आती है ना, वो आवाज भी बंदे के नहीं निकला था। बहुत बहुत ही घातक मौत हुई, बहुत बुरी थी। भगवान करे ऐसा मौत किसी को ना मिले। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं सूरज मीडिया। आज हम महावीर इंक्लेव जो कि ये सेक्टर एक के पास पड़ता है, यहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ था। कैसे हुआ ये बड़ा हादसा, आइए जानते हैं लोगों से। तो आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार साहू है सर। हाँ तो विकास सर, ये बताइए जब वो हादसा हुआ था इतना दर्दनाक, उस टाइम आप कहाँ थे? मैं सेकंड फ्लोर पे किरायेदार के पास था अपने। अच्छा, फिर आपने सुनते ही आप नीचे? हाँ, सुनते जरूर नीचे आया। फिर आपने वहाँ पे क्या मंजर देखा, क्या मंजर था वहाँ पे? वहाँ पे बॉडी डेड पड़ी थी, खून निकल रहा था सर पे से, और सब लोग इकट्ठा थे, और ड्राइवर उस समय भाग गया था। जिसकी डेथ हुई है वो यहीं का है? हाँ, इसी इलाके का है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ कि उस समय उन्होंने पिया था कि नहीं, सुना सुनी मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा क्योंकि मैं मतलब ये कौन कहाँ पे हुआ था? ये यहीं पे भैया, ये मोमोस वाले के सामने, यहीं पे बाइक यहाँ खड़ा अच्छा, है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे हुआ था ये। जब वो जो गाड़ी वाला था वो कितने की स्पीड में था करीबन? भैया स्पीड तो ज्यादा थी क्योंकि रोड पे निशान पड़े हुए थे। अच्छा, टायर मतलब के लंबे। गाड़ी डेड बॉडी के ऊपर चढ़ी, हाँ, तो वो घिसड़ता हुआ आगे गया? हाँ हाँ, काफी दूर तक आ गया। हाँ हाँ, कम से वो खंबे से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इतना लंबा। तो फिर वो एक्सीडेंट होने के बाद वो जो ड्राइवर था वो अपनी गाड़ी लेके भाग गया या फिर रुका? नहीं, गाड़ी छोड़ के भाग गया। अच्छा, गाड़ी वहीं पे छोड़ दी उसने और वो भाग गया? भाग गया, 10 मिनट बाद भागा। दिन का टाइम था, हम लोग भी उतना ध्यान नहीं दिए, खाली रास्ता था, लंच कर रहे थे सब, तो कुछ, लेकिन टंकर फिर भी चल रहे हैं और बंद नहीं हो रहे हैं। यहाँ के नेता लोग आए थे तो उन्होंने देखो पता नहीं क्या किया होगा, टंकर बंद होने चाहिए, लाइन में मीठा पानी आए भैया, ताकि दोबारा से ऐसा हादसा ना हो। जिसकी डेथ हुई है उसके उसके बारे में कुछ बताएंगे, मतलब क्या उसकी फैमिली थी यहाँ? फैमिली थी जी, मियाँ बीवी और एक बच्चा था, बच्चा बहुत मासूम है जी, उसको जरूर कुछ उनकी तरफ से कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए क्योंकि सरकारी टंकर था, स्पीड में तो था, ये दुर्घटना का केस ही बनेगा क्योंकि ड्रिंक के अंदर फिर मामला पलट जाता है, लेकिन कुछ मुआवजा मिल जाए तो उनके परिवार के लिए, भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। जब ये हादसा हुआ था तो उसके परिवार वाले यहाँ पे आए होंगे? पूरा परिवार आया था जी। पूरा परिवार आया था तो वो परिवार नहीं आएगा? तो परिवार का क्या हालत था वहाँ पे? सब रो रहे थे, दुख मना रहे थे, खुश। इसमें दुख की बात है जी, ये अब मेरे से और बोला नहीं जाएगा सर, टंकर इस इलाके में टंकर बंद हो जाए, लाइन में मीठा पानी आ जाए, मैं बस यही चाहता। अभी जो पाइपलाइन दबी हुई है उसमें पानी तो आता है लेकिन वो पीने लायक नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, इलेक्शन के समय पे कैसे आ जाता है, ये राजनीति हो रहा है। अच्छा। मीठा पानी है, मीठा पानी है, इलेक्शन में कैसे आ जाता है? और इलेक्शन के टाइम पे आ जाएगा, क्या कह रहे हो? अभी तो नहीं आएगा पानी। हाँ। पानी तो है लाइनों में, सही बोल रहे हैं ये। अच्छा। पर जब इलेक्शन आएगा तो फिर फटाफट आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, टाइम भी बढ़ जाएगा। हाँ, अभी जो आ रहा है सीवर का पानी आ रहा है, बिल्कुल काला पानी। अच्छा। आ रहा है या साबुन का? मतलब जब वोट लेना हो तो उनमें जोश आता है जनता की सेवा करने के लिए, बस यही बिल्कुल ये फैक्ट है। इस एरिया में दुर्घटना होती रहती है कभी? आए दिन होती रहती है, आए दिन होती रहती है। रोड देखो ना, पहले तो ये रोड कितना चौड़ा था, यहाँ भी कम कर दिया, यहाँ भी कर दिया, दो गाड़ियां निकल नहीं सकती, दो गाड़ियां नहीं निकल सकती, जाम हो जाता है, गली के अंदर भी जाम निकल जाता है। ये देखो, ये यहाँ तक कवर करा नाला। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं 10 मिनट से हूँ तो करीबन 8-10 टैंकर यहाँ से गुजरे हैं। टैंकर मजबूरी है, टैंकर की मजबूरी है। तो इसके बारे में आप सरकार से क्या कहेंगे, क्योंकि टैंकरों से जो हादसा हुआ था उस दिन बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। पानी दे रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी है, कमा भी तो रहे हैं, पहले एहसान थोड़ा ना कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं पानी का जो है। और हम तो चाहते हैं मत दो टैंकर हमारी लाइन में, साफ पानी दे दो। पानी तो टैंकर हमें नहीं चाहिए। आपको टैंकर नहीं चाहिए, मतलब लाइन में पानी प्रॉपर साफ प्रॉपर आना चाहिए, साफ आना चाहिए। टैंकर जरूरी क्या, पर टैंकर से इनका माफिया है, टैंकर माफी टैंकरों से इनको पैसे मिलते हैं। हमारे इलाके के जस्ट सटा हुआ इलाका है, वहाँ पानी आ रहा है, हमारे पीछे इलाके में पानी आ रहा है, नाला उस पर पानी आ रहा है, एक इसी इलाके में पानी नहीं दे रहे हैं, राजनीति हो रहा है। क्यों, तो इस एरिया में क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे क्या राजनीति के बताएंगे हमें? पैसा बता सकते, विधायक बता सकता है, टक्कर वाले पैसा खिला देते हैं इस इलाके के नेता को और वो चुप हो जाता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि टैंकर वाले पैसा खिला देते हैं? जो टैंकर के जो मालिक है वो इस इलाके के नेता बड़े लोगों को पैसा खिला देते हैं, इसलिए वो लोग चुप हो जाते हैं,
यहाँ के लोगों को इंसान नहीं समझते, जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। गटर का पानी, खारा पानी, चल नहीं, पानी नहीं भी देते हैं, मरते रहो बगैर पानी के। इसलिए टैंकर बंद हो जाए और लाइन में मीठा पानी आए, बस हम यही चाहते हैं, ना टैंकर चलेंगे। आखिरी बार कब मीठा पानी आया था यहाँ पे? आखिरी बार भैया, आखिरी बार तो अभी 2 दिन पहले ही आया था। वो क्यों आया था मैं वो भी बता रहा हूँ। जिस दिन वो डेथ हुई ना, उस दिन 400-500 लोगों का बवाल हुआ यहाँ पे, तो तुरंत लोगों ने बताया कि भैया लाइन में मीठा पानी आ रहा है, हमने मोटर चलाई है। तो ये कि लोग शांत हो जाए, खुश हो जाए मीठा पानी, इसलिए सर वहाँ के नेता लोगों ने छोड़ दिया। और उससे 10-20 दिन पहले से मीठा पानी तो आ ही नहीं रहा, खारा आ रहा है। आपको क्या लगता है, अगर दिल्ली सरकार यहाँ पे ये जो टैंकरें आती है इनकी जगह जो पाइपलाइन पानी है वो प्रॉपर तरीके से मीठे पानी आए, तो यहाँ पे जो हादसे हो रहे हैं दिन पर दिन, एक ये हादसा देखने को मिलता है, वो कम हो सकते हैं? हाँ, जरूर कम हो जाएंगे, जब टैंकर चलेंगे ही नहीं तो ये हादसे ना के बराबर होंगे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो उस दिन हादसा हुआ उसने ड्रिंक कर रखा था जिसकी डेथ हुई है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो टैंकर ड्राइवर है उनकी भी गलती है? हाँ, उसकी भी गलती है। अगर वो स्पीड में नहीं होता, धीरे धीरे जैसे नॉर्मल चलाते हैं, तो हो सकता था कि वो बेचारा बच जाता, हो सकता। आपका कहने का यही मतलब है कि ये छोटी गली है और यहाँ पे पैदल ज्यादा यात्रा करते हैं, ये हाईवे नहीं है, तो एक लिमिट में स्पीड होनी चाहिए? हाँ, जरूर होनी चाहिए, लिमिट में स्पीड होनी चाहिए, स्पीड ब्रेकर बनने चाहिए। तो आप देख सकते हैं उस दिन जो हादसा हुआ था टैंकर से, वो यहीं पे हादसा हुआ था वो। और हम इन आंटी से पूछते हैं, इनका कहने का मतलब कि आज भी एक टैंकर की गाड़ी वो आई है और यहाँ पे ऊपर चढ़ा के यहाँ लाई है, और ये ऊपर चढ़ा दिया है, और हमें इन्होंने फोन करके हमें बुलाया है नीचे। ये आपकी दुकान है? हाँ, अच्छा। रेंट पे है किराए। अच्छा। तो ये ऊपर चढ़ा दिया, और वो मैंने बोला कि क्यों जबरदस्ती ले जा रहे, कह रहे यहाँ पे एक टैंकर खड़ा है, जाम हो जाएगा। भाई तू तो यहाँ पे 10 मिनट खड़ा था तब भी, क्योंकि उधर से टैंकर आ रहे थे। मतलब ये टैंकर वाले जो है, इनके ड्राइवर ये 3720 है गाड़ी नंबर, मुझे याद है। ये टैंकर ड्राइवर है, मतलब ये अपनी मन मर्जी करके चलते हैं, आए दिन ऊपर चढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमने कितनी बार रिपेयरिंग की है, वहाँ रिपेयरिंग की है कितनी बार हमने। तो आपने इस चीज को लेके आगे कंप्लेंट नहीं किया? अभी हमने फिलहाल नहीं किया है कंप्लेंट, कुछ भी किसको करेंगे, कौन सुनवाई करता है इस चीज के लिए? कोई सुनवाई नहीं करता। नहीं, तो ये सब हमने अपने आप ही किया है, कोई गवर्नमेंट तो नहीं आएगी करने के लिए, हमने अपने आप ही रिपेयरिंग की है यहाँ पे आके। दिल्ली सरकार का तो कहना कि हमने हर रोड, हर नालियां, हर जगह, हाँ है, जब हमने ये रोड हमने बनाया होगा, लेकिन ये जो ऊपर चढ़ाते ये तो हमने रिपेयरिंग की है, ये आई गवर्नमेंट रिपेयर करने के लिए। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, जैसे कि अभी टैंकर आया, लोग ड्राम में, टंकियों में ऐसे पानी भर रहे हैं। दिक्कत है पानी की, सीवर का पानी आ रहा है, बिल्कुल काला पानी आ रहा है, उसको पी नहीं सकते, कैसे क्या करें? आप इस गली में जाओ, कोई भी कहेगा कि महीने भर से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी की बहुत दिक्कत है। तो आप कभी मजबूरी में पानी खरीदना ही पड़ रहा है आपको? खरीदना पड़ता है, हमारा तो चलो अपना सबमर्सिबल है, हम चला, लेकिन इस टाइम पे हमारे अपने सबमर्सिबल में भी गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है उसमें, और हमें टैंकर मंगाना पड़ता है मजबूरी में, क्या करें? जब लाइन में ही पानी नहीं आएगा तो क्या करेगा इंसान? तो आप क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस मुद्दे पे, कि एक तो सबसे पहली बात जो आपकी, आप जो बता रहे कि टैंकरों की मनमर्जियां चल रही है, वो कहीं से भी गाड़ियां चढ़ा दे रही है, नहीं देख रही कुछ दुकान है। आज की बता रही है, आज की केस लगा लो। अच्छा। क्या मतलब होता है उसको चढ़ाने का ऊपर? हाँ, तो इनका कहने का मतलब यही है, ये आप देख सकते हैं एक रेलिंग बनी हुई है, नाली की जो ऊपर की पट्टी होती है वो बनी हुई है, और ये रोड है, तो ड्राइवर जो होते हैं वो रोड को छोड़ के इस पट्टी पे चलाने का क्या मतलब है? इनका कहने का बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी दुकान है, और अभी यहाँ टूटा भी था, ये टूटा है, आज ही टूटा है, आज ही की बात है ये। और उस दिन जब हादसा हुआ था, वो जो एक्सीडेंट हुआ था, इसमें बहुत दर्दनाक मौत हुई थी, मैंने देखा था, लेकिन उनको गिरते हुए गाड़ी के नीचे आते वो मैंने नहीं देखा, लेकिन उनको दबते हुए देखा था। अच्छा, मैं उस टाइम पे साइड में ही खड़ी थी, गिरा था, ये चीज दबा था, ये वाला पूरा हिस्सा दब गया था, वो चीज देखा मैंने। दबने से पहले जब मतलब यहाँ से होने वाला था, आपने नहीं देखा? नहीं, वो सीन नहीं देखा। तो कैसे हुआ था मंजिल, आप बताएंगे? बहुत बुरा था, पूरा ये चीज निकला हुआ था, दांत बाहर निकले हुए थे, मतलब एक मरने के टाइम पे एक आवाज आती है ना, वो आवाज भी बंदे के नहीं निकला था। बहुत ही घातक मौत हुई, बहुत बुरी थी, भगवान करे ऐसा मौत किसी को ना मिले। अब क्या अपील करना चाहते हैं जिससे ये हादसा रुके, ये एक्सीडेंट रुके? यहाँ एक्सीडेंट तो तभी होगा जब ये टैंकर बंद होगा, और टैंकर तभी बंद होगा जब यहाँ पे पानी आएगा। पानी तो मुझे नहीं लगता कि ये सालों रहेगी, ये तो रहेगी।
परेशानी तो रहेगी पानी की। सरकार तो वादा करती है कि हम दिल्ली की कोई वादा करती है निभाती नहीं है, ये देख लिया। वादा करती है निभाती नहीं है, मतलब वही इलेक्शन का टाइम, वही इलेक्शन का टाइम है। उस टाइम पे भी बहुत ही वो हुआ था इन पे बहसबाजी, कोई कांग्रेस के लिए चिल्ला रहा है, कोई भावना कोट का गाली दे। अरे तो अभी उसकी मजबूरी देखो ना, लाश पड़ी है, तुम वो नेतागिरी कर रहे हो। बहुत बहुत ज्यादा उस दिन भी हंगामा हुआ था काफी। अच्छा, मतलब जब ये हादसा हुआ था लाखों तादाद में लोग घूम रहे थे पूरी गलियों में। कौन है, पवन राठौर भी आए थे। अच्छा, वो भी पवन राठौर कौन है यहाँ के, मुझे नहीं पता ये। अच्छा, मधु बिहार से कहीं के हैं मधु। अच्छा, पवन मतलब राठौर जायजा लेने यहाँ पे आए थे। जायजा लेने आए थे, दो शब्द बोल के चले गए, फिर उसके बाद पलट के नहीं देखा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कौन आया उसकी फैमिली को कौन पूछने आया। तो आपका कहने का मतलब है कि जो आए थे वो सिर्फ तसल्ली दे के गए कि मुआवजा मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। अब कहाँ है वो मुआवजे वाले, कहाँ है। अच्छा, तो ये गली जो है ये ज्यादा बड़ी नहीं है ना हाईवे है, तो इनको अपने स्पीड पे कंट्रोल करना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए। यहाँ के लोगों ने सिर्फ यही शिकायत की है कि दिल्ली सरकार से ये अपील किया है कि यहाँ पे टैंकरों को बंद किया कर दिया जाए और पाइपलाइन जो है उसे मीठे पानी का प्रबंध किया जाए। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देखते रहिए सूरज मीडिया।